राम राम दोस्तों, चहल डिफेंस एकेडमी, मैं विनोद चहल। दोस्तों जो आज का वीडियो है वो 1600 मीटर रनिंग के ऊपर है। 1600 मीटर रनिंग का जो वीडियो है वो 4:30 और 5 मिनट के अंदर हम किस तरीके से लगा सकते हैं, इसके ऊपर हम कुछ जानकारी देना चाहते हैं जिससे आप अच्छी तरह से रनिंग कर पाएंगे, कोई मन पे प्रेशर नहीं बनेगा दोस्तों आपके। जब भी आप मैदान में जाते हो दोस्तों, आपको डर हो जाता है। जब भी आर्मी ग्राउंड में जाते हो, आप बार बार बाथरूम जाते हो, ये डर हो जाता है कि आप रनिंग होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, पहले डर हो जाता है। इस वजह से दोस्तों काफ़ी जो स्टूडेंट है डर की वजह से या कुछ बह की वजह से आप रनिंग नहीं कर पाते, आपकी रनिंग रह जाती है। और दोस्तों मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे जो मन में अपना डर नहीं रखते हैं और अपनी खुशी से दौड़ते हैं। जो बच्चे 4:30 में रनिंग करते हैं वो बच्चे रह जाते हैं, और 5 और 5:20 वाले जो रनिंग का टाइम देते थे मैदान पर वो बच्चे रनिंग कर जाते हैं। उनके मन में खुला कोई प्रेशर नहीं रखते, वो खुल के दौड़ते हैं। सिर्फ यही होगा कम से कम अगर रह जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगली बार करेंगे, लेकिन डर नहीं होना चाहिए। अगर मन में डर हो गया, गाँव वाले क्या बोलेंगे, स्टेडियम वाले क्या बोलेंगे, गुरु जी जाके क्या कहेंगे, रनिंग नहीं हुई तो रिश्तेदार क्या बोलेंगे। अरे रिश्तेदारों को कौन सा नौकरी लगना भाई, कोसे कोच को रोकनी नौकरी लगनी है, नौकरी तो आपको करनी है, आपको दौड़ना है और ख़ुद के दम पे दौड़ना। दोस्तों हर आदमी हीरा है, कोई भी आदमी हो, जितना घिसेगा इतनी चमक आएगी। हीरा जब चमकेगा ना दोस्तों काफ़ी खूबसूरत होता है। तो चलिए दोस्तों, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत रखो, दिल खोल के दौड़ो। और मैदान में जब भी दौड़ते हो तो अपना टाइम है जो हफ्ते में 15 दिन में अपना टाइम चेक किया करो, और अच्छी डाइट लो दोस्तों, किसी का प्रेशर ना लो। और मैदान में तेज़ दौड़ना सिर्फ रनिंग करना संभव नहीं, तेज़ दौड़ से ही आपको अपना दिमाग से दौड़ना पड़ेगा दोस्तों। अगर कोई बच्चा अच्छा दौड़ता है, पहले चक्र में बहुत तेज़ स्पीड से दौड़ेगा, दूसरे में दौड़ेगा, कितनी देर तक दौड़ेगा, वो एक चक्कर लगा देगा, दो लगा देगा, उसके बाद उस पर रनिंग नहीं होगी। दिमाग से रनिंग करनी पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों ये मत सोचो कि आप ये रेस कर जाएगा मेरे से रेस रह जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। सभी इंसान बराबर है, ये नहीं कि किसी में उसमें तो पेट्रोल डाला है, चाबी स्टार्ट किया और दौड़ देगा। अगर उसने मेहनत की तो अच्छा दौड़ेगा, आप भी मेहनत अच्छी करो, आप भी दौड़ोगे दोस्तों। सबका शरीर सेम होता है, और दोस्तों जो प्रैक्टिस करता है देखो वो बेटर दौड़ेगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो रह जाता है। आप ये ना सोचो कि ये तो तेज़ दौड़ा है, मैं कम दौड़ा, आप तेज़ नहीं दौड़ रहे दोस्तों, क्योंकि आपने मेहनत कम की है इसलिए आप पीछे हो। तो जम के मेहनत करो दोस्तों, सक्सेस ज़रूर होगी। जो बहुत ज़्यादा टीम लेते हैं यहाँ वहाँ जाके मैदान में बड़ी अच्छी तरह से रनिंग करके आते हैं, टाइम अच्छा आता है, उनका सिलेक्शन होता है दोस्तों उनका। और जिन बच्चों को डर हो जाता है, जो अच्छे दावे होते हैं, उसके बाद भी वो रनिंग नहीं कर पाते। तो दोस्तों किसी चीज़ का प्रेशर मत लो, सिर्फ ये सोचो कि मेरे को अच्छा करना है, बेस्ट करना है, बेस्ट टाइम देना है मेरे को, ठीक है दोस्तों। रनिंग का टाइम चेक करो, डाइट अच्छी लिया करो, और रनिंग नज़दीक आ रही भर्ती तो मैं कहूँगा शायद दोनों टाइम आप रनिंग करो तो भी अच्छी है। लेकिन अगर भर्ती का टाइम नज़दीक है, अगर ज़्यादा टाइम नहीं है, दो टाइम नहीं, कम से कम एक टाइम आप जरूर करो, और वो रनिंग आप सुबह का टाइम करो दोस्तों। जो सुबह के टाइम में रनिंग का टाइम आएगा ना, वही बेस्ट टाइम होता है दोस्तों। अच्छा टाइम आपका आएगा तो दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ, अगर सुबह का टाइम में रनिंग आप अच्छी करते हो तो आपका 100% सिलेक्शन होगा, रनिंग आपकी पास हो जाएगी, ठीक है। किसी भी चीज़ का वह मत मानो, खुल के दौड़ो, खुशी से दौड़ो। सिर्फ ये ध्यान रखो कि किसी धक्का मुक्की नहीं करना, ऐसे ही जगह फंस नहीं जाना आप कि 300-400 बच्चों के बीच में फंस जाए, कहीं आप रनिंग करना पाओ। तो लाइनिंग का आपको ध्यान रखना है, और अपनी मन से दोस्तों दौड़ना, आपको किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं रखते हुए। यहाँ देखो ये बच्चे बिल्कुल आराम से दौड़ रहे हैं, 4 चक्कर लगाएंगे और 5 मिनट का दोस्तों इनका टाइम है आज का, जो मैंने आपको बता रहा हूँ, 5 मिनट में बिल्कुल आराम से आ रहे हैं। अगर इन बच्चों को हम किसी आर्मी भर्ती में या किसी कंपटीशन में इनको दौड़ाते तो शायद ये 4:20 या 4:30 में आ जाएंगे दोस्तों। तो किसी भी कंपटीशन में दौड़ो या ग्रुप में दौड़ो, जब भी दौड़ो 5, 10, 20, 50 बच्चे हो तो ग्रुप में दौड़ो। ग्रुप में दौड़ोगे तो आगे जाके आपको तकलीफ नहीं होगी किसी भी चीज़ की, जैसा यहाँ दौड़ते हो आपको वैसे ही महसूस होगा वहाँ पर भी आपको दौड़ने वास्ते, कि आप जैसा ट्रैक पर दौड़ रहे हो वैसे ही वहाँ दौड़ना है, ठीक है दोस्तों। और आर्मी वाले आपको खा नहीं जाएंगे दोस्तों, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा रनिंग नहीं होगी। हारने के बाद यह इंसान सब कुछ सीखता है दोस्तों, जीतने वाला तो सक्सेस होता है लेकिन हारने वाला बहुत सारी चीज़ें सीखता है, वो दोबारा फिर दौड़ेगा फिर सक्सेस होगा। तो दोस्तों ये मत सोचो कि मैं रह गया हूँ, मेरा क्या होगा, क्या होगा, कुछ कुछ ना दोस्तों, एक एक
स्टूडेंट है, एक एक बच्चा जो गाँव से 10 10 भर्ती, 8 8 भर्ती, 15 15 भर्ती जा चुका है दोस्तों, और फिर भी सिलेक्शन हुए इन बच्चों के। लास्ट की 20 20 भर्ती में, 25 25 भर्ती में सिलेक्शन हुए। सुबह की रनिंग दोस्तों किया करो, मैं तो यही कहूँगा। और खाने में जो आज का टाइम है, गर्मी का टाइम चल रहा है दोस्तों, लिक्विड में ज़्यादा लो, पानी हो गया जो भी आप लेते हो, तरल पदार्थ ज़्यादा लो, दलिया लो, खाने में डाइट पर आप ध्यान रखा करो दोस्तों। तो आज का ये टॉपिक था दोस्तों, और आपकी रनिंग नहीं रहेगी, मैं गारंटी देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।